अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अनाइदा खादी एनआर की टेलीफोनी से। फिर से एक बार एक मासूम पर ससुराल वालों का जुल्म। जी हां, हिना खान नामी उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की का वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जिसमें हिना खान खुद अपनी ज़बानी कह रही है कि उसके ससुराल वाले उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की हुकूमत और क़ानून से अपील करते हैं कि हिना खान के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर उसकी मदद करें। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे कि आयशा नामी एक लड़की पर भी इसी तरह जुल्म हुआ था और उसने भी इसी तरह चैलेंज कर अपने आप को मौत के मुँह में ढकेल दिया। लगता है कि इस बार भी अगर हिना खान को इंसाफ नहीं मिला तो हिना खान भी आयशा की तरह अपने आप को ख़त्म कर देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी कई सारी लड़कियाँ हैं जो इस वक्त अपने घरों में, अपने ससुराल में जुल्म सह रही हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं। तो हम उन लड़कियों से कहना चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि लड़कियों पर जुल्म करने वाले सास ससुर और उनके ससुराल वालों को ये पता चले कि जुल्म करना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, और उन लोगों को ये भी पता चले कि बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ही कानून इन लोगों को सज़ा देगा। तो हम बस ये चाहते हैं कि अगर सब मिलकर, सिर्फ हिना खान या आयशा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी हमारी बेटियां और बहनें हैं जो इस वक्त अपने ससुराल वालों का जुल्म सह रही हैं, तो हम उन तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जुल्म सहना भी एक गुनाह है। जितना हो सके आप लोग अपने जुल्म से बचने के लिए आवाज़ उठाएं, और उम्मीद करें कि बराबर कानून और हुकूमत आपका साथ ज़रूर देगा। और साथ ही में हम उन तमाम बहनों से, बेटियों से ये अपील करते हैं कि आप पर अगर अपने ससुराल वालों का जुल्म हो रहा है तो ऐसे जुल्म से डरने के बजाय आप लोग कानून का साथ लें, पुलिस कंप्लेंट करें या फिर किसी वकील से, अच्छे से एडवोकेट से आप एडवाइस करें, ताकि आपकी तरह कई और सारी लड़कियों को भी इस बात पर हिम्मत आए और वो भी अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके। आइए, हिना खान का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। चाहती हूँ मैं मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ, मैं उन सबके नाम नहीं जानती, लेकिन मैं सारे मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ, मुझ पर रहम करें, मुझे इंसाफ दिला दें। मैं जीना चाहती हूँ, बस मेरा इतना ही कसूर है कि मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अपने ससुराल वालों को और ज़्यादा जेद या उनके साथ जो वो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ मेरा, मुझे कोई इंसाफ दिला दो, मुझे जीने दो। जीना चाहती हूँ मंत्री जी, मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद कर दो, कोई तो आ गया हो मेरी मदद करने के लिए। आज मैं ये वीडियो नेट पे डाल के देखती हूँ कौन कौन है इस दुनिया में इतना रहम दिल जो मेरी मदद कर सके। अगर किसी के दिल में मेरे लिए रहम है तो खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मंत्री जी तक पहुँचा दीजिए, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। क्योंकि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आज तो ये वीडियो मैं इंसाफ मांगने के लिए बना रही हूँ, कल जब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो मैं मरते वक्त जैसे आयशा ने बनाई थी ना, एक और वीडियो बनाऊंगी, और आप सब जो लोग देखोगे सब मेरी मौत के जिम्मेदार होगी। खुदा के लिए मेरी मदद कर दीजिए, मेरी वीडियो किसी भी तरह से मीडिया वालों और मंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, और मुझे 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 जीने दीजिए, मेरी मदद कर दो, मैं जीना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे, वो धमकियाँ तक दे रहे हैं, और हर जगह जहाँ जाती हूँ वो पैसे दिए जा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर गरीब ना होती तो ये वीडियो ना बनाती, आप सबसे मदद ना मांगती, मेरी मदद कर देना। अगर किसी को मुझ पर रहम आए, मेरी जैसी एक और आयशा, एक और हिना को मरने से बचा लीजिए। आपको मेरी हमेशा दुआएं लगेंगी, मेरी बूढ़ी माँ की भी दुआएं लगेंगी, जो बस मेरा एक अकेला सहारा मेरी माँ और मैं है। प्लीज़ मेरी मदद कर दें मंत्री जी, तक ये वीडियो बचा लें, मुझे बचा लें, मुझे इंसाफ दिला दें। मैं थक गई हूँ, मैं अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई हूँ, मुझे बचा लीजिए। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।